नमस्कार, इंटरटैप न्यूज़ में आपका स्वागत है। बलिया में फ्रैक्चर क्लिनिक खुला, हड्डियों का पहला बैग, डॉक्टर गौरव राय। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से। जौ हॉस्पिटल रोड के पास फ्रैक्चर क्लिनिक हड्डियों का पहला बैग खुला। हृदय रोग के पूर्वांचल में माने जाने डॉक्टर डी राय हृदय के बेटे डॉक्टर गौरव राय MS आर्थो पूर्व सीनियर रेसिडेंट GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से बलिया आए, जहां फ्रैक्चर क्लिनिक का उद्घाटन डॉक्टर गौरव राय के माताजी सेल राय ने फीता काटकर किया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर गौरव के माताजी सेल राय ने बताया कि हड्डी रोग के विशेषज्ञ मेरा बेटा है, जो मरीज को इलाज अच्छे से अच्छे करेगा। बलिया से बाहर कोई मरीज ना जाए, आज मैं बहुत खुश हूँ। श्री सिंह ने बताया कि फ्रैक्चर क्लिनिक उपचार जीवन शैली में मदद करके फ्रैक्चर वाले सभी रोगियों का किफ़ायती प्रबंधन प्रदान करेगा। आज के जो उद्घाटन हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हड्डी रोग वाले कोई भी यहाँ इलाज करने वाला उतना अच्छा समाधान नहीं था, बहुत अच्छा खुशी हो रही है। कोई ऐसा डॉक्टर हुआ है दिल्ली में, बलिया में पहली बार इस तरह से जो हुआ है, इससे काफी खुशी हो रही है। आज क्या जान करके आप यहाँ आए हैं फ्रैक्चर क्लिनिक में? मैं डॉक्टर साहब का क्लिनिक देखा कि अच्छे डॉक्टर हैं, और मुझे बहुत रात में अंदर से कि मैं अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। कहाँ से रहने वाले आप? बलिया से रहने वाले। मैंने आज देख करके आप आए हैं। आज फ्रैक्चर क्लिनिक आपके द्वारा उद्घाटन किया गया है, आज इस उद्घाटन से आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाह रही हैं? जी, डॉक्टर गौरव राय आपके बेटा हैं। डॉक्टर गौरव राव ने ही आप अपनी माता जी को ही चुने हैं अपने क्लिनिक का उद्घाटन का। ये तो बड़ा भाग्यशाली हैं जो आप अपने माता से ये शुभ काम कराए हैं। तो आज क्या संदेश देंगे आज के कार्यक्रम जो हुआ है लोगों को? विश्वास है। थैंक यू। मैं डॉक्टर डी राय बलिया में गौरव हॉस्पिटल का मैं मेरा बेटा गौरव राय मैंने BBS और MS काफ़ी बड़ी से किया है। अभी हम लोग उसको बलिया के लिए समर्पित कर रहे हैं, इसलिए वो सारा देखते हुए बलिया में सेवा करने का प्रोग्राम बनाया है। और इसी तरह हम लोग आज अस्पताल रोड पर एक फ्रैक्चर क्लिनिक का उद्घाटन कर रहे हैं, और इससे सोचते हैं कि बलिया में एक अच्छा हड्डी के बारे में वृद्धि होगी और इससे बलिया का और विकास होगा। साथ में बलिया में अभी भी जो है हड्डी के मामले में केवल प्लास्टर लगाने के अलावा कोई संशिष्ट कार्य नहीं होता है, क्योंकि आ जाने से प्रत्यारोपण का कार्य, गुड़ बदलने का कार्य और जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी किसी प्रकार की आपकी बड़ी की व्यवस्थाएँ हैं वो चालू हो जाएंगी। ये लोगों से यही आग्रह करते हैं कि अपना जो है बच्चे का साथ दें और गौरव राय को एज ए हड्डी के डॉक्टर आगे बढ़ने में मदद करें, ये हमारी शुभकामना है। और गौरव बलिया के लिए गौरव बने। अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं बलिया ट्रॉमा सेंटर सिविल लाइंस में मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में हूँ वहाँ पर। हमारा छोटा भाई है, वो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि बहुत अच्छा करें और आगे गौरव को बढ़ाए, हम लोग अपने नाम के अनुरूप और गौरव को बढ़ाए। थैंक यू। जहाँ आपको सस्ता डॉक्टर डी राय के लड़के को गौरव राय को जो आपने दिया है, किस तरह का आप प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे क्या संदेश लोगों में दे रहे हैं? देखिए, हमारे जनपद में हृदय रोग और मेडिसिन के क्षेत्र में डी राय सर सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो इसमें संदेह नहीं है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कोरोना कार्य में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, बहुत रोगियों को बचाया। मैं हरदम को गुरु मानता हूँ। उनके बनारस जाकर के खाली लौट आऊंगा, बहुत ही इच्छा उनका भविष्य है। हमारे जिले में ऑर्थोपेडिशियन की कमी है। मेरी यही शुभकामना है कि जो डी राय सर का जो कृति है उसको और आगे लेकर जाएं और हमारे जनपद में जो
हड्डी के क्षेत्र में बड़े बड़े जो जटिल ऑपरेशन है, जो समस्याएं जो हैं अभी बनी हुई हैं अभी तक, तो हम सब लोग मिलकर उसको दूर करें। और मुझे बहुत आशा है कि गौरव राज जी बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आज इस गौरव राय के इस क्लिनिक खोलने का संदेश जनपद में क्या दे रहे हैं? जनपद की हमारे क्षेत्र हमारे जो डी राय की जो परंपरा है, डी राय डॉक्टर डी राय ने हमें हमारे जनपद को बहुत कुछ दिया है। रिसेंटली हृदय रोग के क्षेत्र में, जनरल मेडिसिन के क्षेत्र में, जनरल फिजिशियन के रूप में शुरू से बहुत हमारे जनपद को बहुत कुछ दिए हैं। गौरव जा रहा है जिसे यही आशा है डॉक्टर गौरव ऐसे कि जो उस परंपरा को आगे बढ़ाए और जनपद वासियों के लिए भी है कि एक बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल खुला है, क्लिनिक खुला है उनका। ऑलरेडी एक हॉस्पिटल और है तिखमपुर रोड में, तो ये बहुत छोटी मोटी जो चीज़ें हैं समस्याएं हैं लेकिन वो सारी दूर होंगी। जो बड़े बड़े जो कष्ट हैं वे दूर करेंगे और अपने पिता की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जनपद के लिए बड़ा एक गौरव की आप अपना नाम और परिचय। मेरा नाम डॉक्टर गौरव राय है। मैं अभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई अस्थि रोग विभाग में, हड्डी रोग विभाग में ऑर्थोपेडिक सर्जरी कंप्लीट करके ग्वालियर से, और उसके बाद एक साल वहाँ पे सरकारी नौकरी, एक साल वहाँ पे जॉब करके जो भी हड्डी के विभाग की ट्रेनिंग है वहाँ से पूरी कंप्लीट करके मैं यहाँ अपने अपने शहर जहाँ पे मेरा जो जन्म स्थान है वहाँ बलिया वापस आया हूँ, ताकि जो यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है ऑर्थोपेडिक्स के लिए, यहाँ के मरीज परेशान होते हैं, उनको जो चोट लगती है तो उनका सही इलाज नहीं होता है, उनको बनारस जाना पड़ता है, मऊ जाना पड़ता है, उसमें क्या होता है कि देरी हो जाती है, तो वो सब जो चीज़ मैं वहाँ से सीख के आया हूँ वो मैं यहाँ पे लोगों के इलाज में उसको इस्तेमाल करूँगा। तो आपने बलिया क्यों चुना? क्योंकि ये बलिया मेरा जन्म स्थान है और अगर बलिया के लोग ही बलिया की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई बाहर का आदमी तो आके करेगा। अगर बलिया के लोग ही यहाँ के चीज सीख के बाहर कहीं लखनऊ दिल्ली विदेश चले जाएंगे तो यहाँ के लोगों की कौन सेवा करेगा? इसलिए इसलिए बलिया चुने। आपके पिताजी भी तो एक पूर्वांचल के बहुत पुराने जने डॉक्टरों में से हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, आप उनके पुत्र हैं, क्या आप उसी तरह से पूर्वांचल में भी आप नाम करने का काम करेंगे? देखिए ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं मुझे नाम करना है क्या करना है, मैंने जो सीखा है जो मैंने विज्ञान से सीखा है मुझे वो अप्लाई करना है लोगों में,